डोलेश्वर महादेव की इतनी महत्वता नहीं जान पाते थे कि डोलेश्वर महादेव का महत्व क्या है। देखिए जिंदगी एक ही है, पर जीने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है। सबको एक एक किलो घी दिया गया और एक एक किलो घी देकर कहा गया कि इस घी को तुम्हें पीना है, तुम्हारे शरीर में ये एक किलो घी 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये घी 1 किलो तुम्हारे शरीर में जाना चाहिए। अब 1 किलो घी किसी को दिया तो वो कोई उसको रोटी में लगाकर खा रहा है, कोई उसको दाल बाफले में लगाकर, बाटी में लगाकर खा रहा है, कोई उसे लिट्टी चोखा में लगाकर खा रहा है, कोई उसे पूरण पोली में लगाकर खा रहा है। उस 1 किलो घी को जिसकी जैसी मर्जी हो वो वैसा उसको ग्रहण कर रहा है, जिसका जितना मन हो उसको वैसा ग्रहण कर रहा है। कोई उसको हलवा बनाकर खा गया, सीरा बनाकर खा गया, पर वो 1 किलो घी उसके शरीर में पहुंच गया। जीवन एक ही है पर जीने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। कोई खुश होकर जी रहा है तो कोई रोकर जी रहा है, कोई प्रसन्नता में जी रहा है, कोई दुखी होकर जी रहा है। सबके जीने का तरीका अपना अपना एक अलग अलग है, अलग अलग तरीका उसको वर्णित है जीना। जिंदगी एक ही है, जन्म हुआ है, मृत्यु भी होगी, आए हो पृथ्वी पर तो काम भी करना पड़ेगा, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को संभालना भी पड़ेगा, भजन कर रहे हो तो भोजन भी करना पड़ेगा, पर जिंदगी एक है पर जीने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अपने जीने के तरीके को, अपने जीने के स्वरूप को, अपने जीने के तरीके को आप किस तरह से जी रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। जो कपड़ा चूहा काटता है वो कपड़े का बंठा ढाल कर देता है, और जो कपड़ा दर्जी काटता है वो कपड़े का भी कल्याण कर देता है। कपड़ा तो काटा ना, चाहे चूहे ने काटा चाहे दर्जी ने काटा, तो आप में से कितने लोग हैं जो चूहे के कटे हुए कपड़े डिजाइन वाले पहनते हैं, है कोई? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं है ना। तो कोई कहे कपड़ा ही तो काटा था, चूहे ने काटा चाहे दर्जी ने काटा, काटा तो सरी ना। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर चूहे कपड़े को काटता है तो कपड़े को बिगाड़ देता है, कपड़े को खराब कर देता है, कपड़े को बेकार कर देता है। पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तब उस कपड़े की ऐसी ऐसी डिजाइन बना देता है कि लोग उसको तन पर धारण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को सुंदर महसूस करते हैं। काटा तो दोनों ने, चूहे ने भी कपड़ा काटा और दर्जी ने भी कपड़ा काटा, पर चूहे के काटने में वो सुख का अनुभव नहीं है, मिठास नहीं है बाबू, चूहे के काटने में वो आनंद का अनुभव नहीं है, पर दर्जी के काटने में एक आनंद का अनुभव है, दर्जी के काटने में एक सुख का अनुभव है। अब जिंदगी एक ही है, कपड़ा एक ही है, पर उसको जीने का तरीका अलग अलग है, उसी तरह कपड़ा एक ही है पर उसको काटने का तरीका अलग अलग है। चूहा काटेगा कपड़े को बिगाड़ देगा और दर्जी काटेगा कपड़े को संवार देगा। शिव कथा कह रही है, एक जीने का तरीका तुम्हारे चौराहे पर, मोहल्ले में, गांव में, नगर में, क्षेत्र में, कहीं पर भी जाकर खड़े हो जाओगे कोई भी ज्ञान दे देगा, फ्री में मिल जाता है।
एक रावण को ज्ञान देने वाले मिले थे और एक भगवान राम जी को ज्ञान देने वाले मिले थे। रावण ने भरी सभा में सबसे कह दिया था कि राम जी के साथ युद्ध होगा, तो जितने लोग साथ में मिले थे उन्होंने कह दिया आप घबराओ मत, हम जाकर पूरी राम जी की सेना बंदरों की है सबको उठा उठा कर खा जाएंगे। और राम जी ने भी ज्ञान लिया था तो राम जी ने पूछा कि रावण से युद्ध करने जा रहे हैं, ज्ञान दीजिए क्या करना चाहिए। तो जितने लोग आए थे उन्होंने एक बात कहा कि बहुत विद्वान है रावण, बहुत ज्ञानवान है रावण, एक किसी को भेज दो उसको समझाने के लिए, अगर वो समझ जाता है तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा। आप अब देखो रावण के पास जो समझाने वाले थे उन्होंने समझाया कि हम सारे बंदरों को उठा उठा कर खा जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। और राम जी के पास जो समझाने वाले थे उन्होंने एक ही बात कही कि किसी एक को समझाने के लिए भेज दो, किसी को दूत बनाकर भेज दो, किसी को समझाने के लिए भेज दो, रावण अगर समझ जाएगा तो अपने को युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीता जी अपने पास आ जाएंगी और अपन वापिस अयोध्या के लिए चले जाएंगे। समझाने वाला कैसा है, तुम्हें बताने वाला कैसा है, तुम्हें ज्ञान देने वाला कैसा है? तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठ जाओ और ब्यूटी पार्लर वाली कह दे तुम्हारी चुटैया को इधर से इधर कर लो या इधर से इधर कर लो। अब और दूसरी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ जब अपनी बेटी की शादी जब माँ करती है ना, एक लड़की की शादी जब उसकी माँ करती है तो जितना तो पार्लर वाली नहीं सजा पाती उससे ज्यादा माँ अपनी बेटी का श्रृंगार कर देती है। वो माँ की करुणता है, वो माँ की वात्सल्यता है, वो माँ का प्रेम है। पार्लर से आने के बाद भी बेटी अपनी माँ के पास जाती है तो माँ पार्लर से आने के बाद भी बेटी को देख लेती है, तेरे में ये कमी है, और माँ तुरंत अपने गले का हार निकालकर बेटी को पहना देती है, अंदर से लाकर कोई सामान बेटी को लगा देती है, क्योंकि उसकी करुणता, उसका प्रेम, उसकी वात्सल्यता, उसका स्नेह जुड़ा हुआ है, उसका प्रेम जुड़ा हुआ है। ज्ञान देने वाले तो आपको जहां तहां सब जगह मिल जाएंगे। चौराहे पर खड़े हो गए तो लोग ज्ञान देंगे, पान की दुकान पर खड़े होगे तो लोग ज्ञान देंगे, कपड़े की दुकान पर जाओगे तो लोग ज्ञान देंगे, जहां जाओगे वहां तुम्हें ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, मिलेंगे। पर रोड पर चलते चलते जो ज्ञान मिलता है वो एक ना एक दिन हमको डुबो देता है। और माता पिता गुरु घर के बड़े बुजुर्ग और कथा में बैठकर जो ज्ञान मिलता है वो हमारी जिंदगी को सवार देता है। ज्ञान में अंतर है, ज्ञान में अंतर है। रावण को जो ज्ञान मिला था वो सही नहीं मिल पाया, पर राम जी को जो ज्ञान मिला वो सही मिल पाया। ज्ञान में अंतर आ जाता। कितना सुंदर कहा, एक घंटे की खुशी चाहते हो, कितने घंटे की जम के बोलो जरा, एक घंटे की खुशी चाहते हो तो आराम से एक झपकी ले लो। क्या ले लो? एक झपकी ले लो, एक घंटे की खुशी मिल जाएगी। एक दिन की खुशी चाहते हो तो अपने परिवार के साथ गाड़ी उठाओ और कहीं पिकनिक पर चले जाओ, कहीं गोट के लिए चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ। समझ लेना जरा अच्छे से, एक घंटे की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? एक झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी उठाओ और अपने मित्र दोस्त परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने, कहीं घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। कितने महीने की खुशी जम के बोलो जरा, एक महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। एक वर्ष की खुशी चाहते हो तो अंबानी जितना पैसा कमा के रख लो। और जिंदगी भर की खुशी चाहते हो तो जिस हालत में रह रहे हो उसी में खुश रहना सीख जाओ, जिंदगी की सारी खुशियां प्राप्त हो जाए। हम जिस हालत में रह रहे हैं उस हालत में हम खुश रहना चालू कर दें तो हमारी जिंदगी की सारी खुशियां हमारे पास हो जाएगी। फिर से ध्यान करना, एक घंटे की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो, एक घंटे की झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कहीं घूमने निकल जाओ। एक महीने की खुशी चाहते हो, केवल महीने भर की खुशी चाहते हो तो आज ही कर लो, तुम तो अब भी कर लो, कोई मना नहीं। एक महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। एक वर्ष की खुशी चाहते हो
तो कहीं पैसे वाले को, बिरला को, कहीं अंबानी को, धनपति को देखो और उनके जैसा पैसा कमा लो तो एक वर्ष की खुशी मिल जाएगी, पर जिंदगी भर की खुशी चाहते हो तो जैसे रह रहे हो, जिस हालात में रह रहे हो उस हालात में खुश रहना चालू कर दो। किसी को देखकर ना ईर्ष्या करना, ना नफरत करना, ना जलना, ना बहुत दौड़ने की आदत बनाना। अपन खुश हैं, जितनी फैक्ट्री चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, जितना व्यापार चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे को देखकर व्यापार खोल भी लोगे, दूसरे को देखकर काम चालू भी कर दोगे, थोड़े दिन अच्छा चलेगा फिर खड्डे में चले जाएगा। जो अपना व्यापार है एक तो उसको छोड़ा और दूसरे व्यापार में चलने की आदत डाली, अब दूसरे में चलने की आदत डाली तो इस पे ध्यान नहीं दे पाए, इस पे ध्यान नहीं दिया तो मालूम पड़ा उस पे भी नहीं जा पाए, इस पे भी नहीं जा पाए और जो नौकर चोकर थे वो सारे के सारे निकल गए। इसलिए अपनी खुशी चाहते हो जिंदगी भर की तो जो अलमस्ती का जीवन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अपना काम बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा है, सब दूर अपना काम है, सब अपना सम्मान करते हैं, मान करते हैं। किसी धनपति को देखकर अपने विचारों को वो मत बनाओ कि उसके पास इतना है तो मुझे ऐसा करना है, उसने चार बंगले बना लिया मुझे बंगला बनाना, उसने गाड़ी खरीद ली मुझे गाड़ी खरीदना, ना 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 ना, जैसी अपनी जिंदगी है उसको खुश होकर जियो, फुल एंजॉयमेंट के साथ। हम दूसरे को खुश देखकर अपने आप में विचार करते हैं कि मेरे पास भी ये होना था। दोनों रोते हैं, गरीब भी रोता है कि भोजन कैसे प्राप्त होगा, और अमीर भी रोता है कि भोजन कर लिया तो पचेगा कैसे। दोनों रो रहे हैं, गरीब भी रोता है कि भोजन कैसे प्राप्त होगा, खाऊंगा क्या, कैसे प्राप्त होगा, और अमीर भी रोता है कि भोजन अगर मैंने कर लिया, मान लो भोजन अगर मुझे प्राप्त हो भी गया तो मुझे इस भोजन को पचाना कैसे। हम अपनी जिंदगी को खुश होकर क्यों नहीं जी पाते, हम अपने जीवन को अच्छे से जी क्यों नहीं पा रहे, हम अपने जीवन को आनंद में क्यों नहीं जी पा रहे, हम अपने जीवन को खुश होकर क्यों नहीं जी पा रहे। भगवान विष्णु जी के पास में वैकुंठ था, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक था, भगवान इंद्र के पास में इंद्रलोक था, सब देवताओं के पास में सारे लोक विराजमान हैं, इंद्र जी के पास में इंद्रलोक है, भगवान विष्णु के पास में वैकुंठ लोक है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में बहुत सुख है, इंद्रलोक में बहुत सुख है, वैकुंठ लोक में बहुत सुख है। पार्वती जी ने महादेव जी से बार बार कहा, लक्ष्मी जी के यहाँ सोने का नगर है, सोने का वैकुंठ है, सोने का महल है, सोने के पर्णकोटे हैं, सोने के द्वार हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ पर अभी बहुत कुछ बना हुआ है, इंद्र के यहाँ पर राशि ठाट बना हुआ है, गरुण जी के यहाँ, वरुण जी के यहाँ, कुबेर जी के यहाँ कितना सोना चांदी, कितना अंबारियाँ, कितना पीताम्बर, कितना अंबर, सब कुछ सुख है। पार्वती जी कहती हैं केवल एक 33 कोटि देवी देवता में केवल एक अपन अकेले हैं भोलेनाथ, जो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, ना तो अपने पास में फ्रिज है, ना अपने पास में कूलर है, ना अपने पास में वॉशिंग मशीन है, ना अपने पास में घर है, ना अपने पास में रसोई घर है, ना अपने पास में कोई स्थान ऐसा है कि जहां अपन सोना चांदी रख दो, कोई स्थान ही नहीं। कैलाश और शमशान ये खुला मैदान है। आज तक तुमने कभी सुना कि शमशान में चोरी हो गई? अरे बोलो तो जम के, क्या चोर के ले जाएगा, कफन कि बांबू बांस कि मुर्दे की हड्डियां, क्या चोर का ले जाओ? कभी तुमने सुना कि कैलाश पर चोरी हो गई? भगवान शिव जी से माता पार्वती जी कह रही हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से कह रही हैं कि देखिए थोड़ा बहुत अपने को भी बनाकर रखना चाहिए, थोड़ा वैकुंठ जैसा सुख अपने पास भी होना चाहिए, थोड़ी राजसी ठाट सत्ता ठाट अपने पास भी होना चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा राजसी ठाट का, राजसी सत्ता का क्या करेंगे अपन, क्या करना, हमें राजसी ठाट नहीं चाहिए, हमें राजसी सत्ता नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा मेरे पास जब मेरा भक्त आता है, सारी दुनिया की ठोकर जब वो खा लेता है, दुनिया के लोग उसको धक्का दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको ताना दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको गाली दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, जब हर तरह से वो जब पूर्ण तरह से एकदम कुछ नहीं रहता, जब कहीं से काम नहीं बनता, पार्वती से शिव जी कह रहे हैं तब पार्वती भक्त मेरे पास में आता है, मेरे पास में बैठता है, तब मैं उसको सब दे देता हूँ जो वो दिल से मांगता है, मैं उसको खाली नहीं छोड़ता।
सब दे देता हूं, मैं उसको खाली नहीं छोड़ता पा देता। सारा सुख, सारा वैभव, सारी सत्ता, सब कुछ मैं उसको प्रदान कर देता हूं, सब कुछ देता। इतना अभिमान में मत फूल जाना कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो कर सकता हूं वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, जैसा मैं कर सकता हूं वैसा कोई नहीं कर सकता। ये एक अभिमान के शब्द है, एक अहम के शब्द है, एक अहंकार के शब्द है। पार्वती, जब संसार का मानव मेरे पास आता है, शिव जी के पास मनुष्य कब पहुंचता है? जब सबको आजमा कर देख लेता है, जब सबको आजमा कर देख लिया तब वो देवाधिदेव महादेव के पास गया। सब जगह से जब धक्के पड़ जाए, सब जगह से जब नकार दिया जाए, सब जगह से जब ठोकरी लगा दी जाए, सब जगह से जब बाहर फेंक दिया जाए, तब शिव की शरण में जाता है जी, तब शंकर भगवान की शरण में पहुंचता है जी। आखिरी कभी कभी देखना आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार कुटुंब रिश्तों में, आसपास के क्षेत्र में कभी आप देखिएगा, कभी अंदाजा लगाइएगा, कभी स्मरण करिएगा, कभी आपकी बुद्धि चित्त में आए तो आपने देखा होगा, घर में, परिवार में, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ कोई फंक्शन है बहुत, कोई विशेष फंक्शन हो रहा रिश्तेदारों के यहाँ, तभी तुमने अंदाजा लगाना अपने परिचितों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने पहचान वालों के यहाँ, अपने आसपास में कहीं फंक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं मालूम पड़े अचार डल रहा है, कहीं बड़ी बन रही है, कहीं पापड़ बन रहे हैं, कहीं शादी की तैयारी हो रही है, कहीं शादी की सालगिरह की तैयारी हो रही है, कहीं फंक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं किसी चीज़ की तैयारी हो रही है, और तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते 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 थोड़े दिन निकले और मालूम पड़े कोई ऐसी घात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा क्रम परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, कहीं आसपास में देखा हो कि उसकी यहाँ एक तरफ तो दिवाली बनने वाली है, एक तरफ तो दशहरा बनने वाला है, एक तरफ तो आतिशबाजी होने वाली है, एक तरफ तो खुशियां आने वाली है, और दूसरी तरफ मालूम पड़े कि जीव के प्राण चले जाए। कभी कभी ऐसी घटना कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। अब एक तरफ सुख का पलड़ा और एक तरफ दुख की घड़ी आ गई, दुख का पलड़ा। अब व्यक्ति टूट गया कि मैंने तो अच्छा करना चाहा था, इतना सारा सुख, घर में शादी की सालगिरह मनने वाली है, बच्चों का जन्मदिन मनने वाला है, जमीन ली है, फैक्ट्री ली है, जायदाद ली है, ये करा है, वो करा है, सारा सुख मेरे सामने खड़ा है, और मालूम पड़े दुख सम्मुख आ गया, किसी जीव के प्राण चले गए, ये सब करते करते अचानक तत्काल तुरंत कहीं अटैक आ गया, कहीं शुगर बढ़ गई, कहीं बीपी बढ़ गया, कहीं जा रहा था, कहीं आ रहा था, और प्राण चले गए। अब मन में दुख होता है कि वो जीव अच्छा था, चले गया, पर कोई पूछे, देव ऋषि नारद जी तप करे, प्रहलाद जी ने तप करा, ध्रुव जी ने तप करा, मीराबाई ने तप करा, कर्माबाई ने तप करा, स्वयं ध्रुव प्रहलाद जब तप कर रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद जब तप साधना कर रहे हैं, तो तप साधना करते 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 चार वर्ष की अवस्था थी प्रहलाद जी की, चार वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की, चार वर्ष की अवस्था थी मीराबाई की, चार वर्ष की अवस्था थी कर्माबाई की, और मीराबाई को भगवान का दर्शन 4 साल की आयु में हो गया था, प्रहलाद जी को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन हो गया था, ध्रुव जी महाराज को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गया था, कर्माबाई को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गया था। नारद जी को टेंशन ये हो गया कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और यह 4 साल की आयु में प्रहलाद को दर्शन हो गया, 4 साल की आयु में ध्रुव जी को दर्शन हो गया, इनको 4 साल की आयु में कैसे हो गया? पत्नी को लगता है पति के प्राण इतनी जल्दी कैसे चले गए? अच्छे थे, सब काम अच्छा हो रहा था,
हमारे यहाँ तो शादी की सालगिरह थी, जन्मदिन था, फैक्ट्री थी, दुकान थी, जमीन थी, जायदाद थी, एकदम कैसे चलेगा? पति को लगता है पत्नी के प्राण एकदम कैसे चलेगा? उसका कारण शिव महापुराण बता रही है, उसका तत्व शिव महापुराण बता रही है कि प्रहलाद को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, मीराबाई को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, करमाबाई को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, और नारद जी तप करते करते ना जाने कितनी जिंदगी नारद जी ने निकाल दी पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब नारद जी को चिड़ चूठी, नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने जाकर तब अपने गुरुओं से पूछा कि मैंने भजन करा, तप करा और प्रहलाद ने तप करा, तुम 4 साल के बच्चे को दर्शन दे दिया और मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए? तब भगवान भी कह दिए, नारद ये 4 साल का प्रहलाद का तप नहीं था, प्रहलाद जिंदगी भर से जो भगवान का भजन करते आ रहा था उसके भजन की उम्र अब पूरी हो गई थी, इसलिए उसको 4 वर्ष की आयु में दर्शन दे दिया, तेरे भजन की उम्र पूरी नहीं हुई इसलिए तुझे आज तक दर्शन नहीं मिल पाया। जब मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होता, तुम्हारी गाड़ी कितनी है, बंगला कितना है, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, सत्ता कितनी है, वैभव कितना है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती है तब उसको जाना पड़ता ही है, चाहे दुनिया का सारा ठाट, सारा वैभव, तुम्हारी शादी की सालगिरह, तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री, चाहे तुम्हारी जमीन, चाहे तुम्हारी जायदाद का कोई भी फंक्शन हो रहा हो, उसको तब जाना है जब उसकी उम्र पूरी हो जाए। सारा संसार मतलब का है, सारा कुटुंब परिवार नाते रिश्ते ये सब मतलब क्या है, किसको अजमाओगे? ये इसीलिए केवल एक सार तत्व है कि कर ले हरी से प्यार, बस एक भगवान का भरोसा, एक भगवान का भजन, एक भगवान का स्मरण, एक भगवान का मंत्र जाप, एक कीर्तन, एक नाम जाप, ये सार तत्व आपके भीतर कि कहीं हमें भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका तो मिला है, कहीं हमें भगवान की अविरल भक्ति पाने का मौका तो मिला है, प्राप्त तो हुआ है, आएगा समय, देखो जाना सबको है पर भगवत स्मरण कर कर जाना, भगवत भजन, भगवत मंत्र जाप करते हुए, भगवत नाम जाप करते हुए, भगवत कीर्तन करते हुए, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हुए, भगवान के एक अनुपम श्रृंगार का दर्शन करते हुए, भगवान के अनुपम मंत्र का स्मरण करते हुए चले जाओ, अपनी जिंदगी को संवारना। एक दिन की खुशी चाहते हो तो बोलो जम के जल्दी से, 1 घंटे की जम के बोलो जरा झपकी ले लो, 1 दिन की खुशी चाहते हो तो गाड़ी लेकर परिवार को लेकर घूमने चले जाओ, 1 महीने की खुशी चाहते हो तो जम के जरा शादी कर लो, 1 साल की खुशी चाहते हो तो बहुत सारी दौलत अपने पास में इकट्ठी कर लो, पर जिंदगी भर की अगर खुशी चाहते हो तो जिस हाल में रह रहे हो उसी हाल में अच्छे से रहना चालू कर दो, ये जिंदगी भर की खुशी है। कब किसका समय आखिरी हो जाए, कब किसको जाना पड़ जाए, रो रो कर जिंदगी निकालने से अच्छा है कि खुश होकर अपनी जिंदगी को निकालो, रो रो कर जिंदगी निकालने से अच्छा है खुश होकर अपनी जिंदगी निकालो, कब जाना पड़ जाए, कब प्राण छूट जाए किसको मालूम है, वो एक लाइन हमारे इधर भारत में फिल्म के एक लाइन है कि सारी तैयारी रह जाएगी, सब कुछ पड़ा रह जाता है, सब कुछ धरा रह जाता है, लॉकर में पैसा पड़ा रह जाता है, तिजोरी में रकम पड़ी रह जाती है, एक से बढ़कर एक साड़ियां सब धरी की धरी रह जाती है, फैक्ट्री दुकान मकान गाड़ी बंगला सारा सुख पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब अंतिम पल आता है किसी को नहीं मालूम पड़ता, वो आएगा और व्यक्ति को जाना पड़ जाएगा, इसलिए रोज ऐसे जीना कि कल जैसा आज नहीं और आज जैसा कल नहीं, प्रतिदिन रोज ऐसे एंजॉय के साथ जीना कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, खुश होकर अपनी जिंदगी को रोज जियो, प्रतिदिन जियो, पूरी जिंदगी टेंशन कर 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 चली जाए और अंत हमारा यूं ही चला जाए तो कोई मतलब नहीं है। जिंदगी
एक ही है पर जीने का तरीका अलग अलग है। चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है, पर चूहा कपड़े को बिगाड़ देता है और दर्जी कपड़े को संवार देता है। ज्ञान देने वाला, समझाने वाले, परिवार वाले अच्छे, तुम्हें चतुर कोई ज्ञान देने वाला मिलेगा। रावण को भी मिला, रावण को जो ज्ञान देने वाले मिले थे उन्होंने रावण की जिंदगी बिगाड़ दी, और राम जी को जो ज्ञान देने वाले मिले थे उन्होंने राम जी की जिंदगी को संवार दिया। अच्छी जगह बैठ कर ज्ञान प्राप्त करोगे तो अच्छे पद की ओर बढ़ते चले जाओ। कुछ अच्छा प्राप्त करिए। माता सती जिनका विवाह भगवान शिव जी के साथ में हो गया, और माता सती को बाबा भोलेनाथ जी अच्छा ज्ञान दिलाने के लिए कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए, अगस्त बाबा के यहां लेकर गए। रामचरितमानस में आता है कि भगवान देवदिदेव महादेव माता सती को कुंभज बाबा के यहां शिव महापुराण की कथा, श्रीमद भागवत कथा, राम कथा, जो भी कथा हो, अगस्त ऋषि के यहां भगवान देवादिदेव महादेव माता सती को लेकर जा रहे हैं कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए। और सुन लो नेपाल देशवासियों, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और जितने वीरगंज की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो जो खेतान परिवार द्वारा चल रही है, ध्यान लगाकर सुनना। अच्छा ज्ञान, अच्छी बात, अच्छी बुद्धि चित्त में उतरने की बात अगर कहीं मिल रही हो तो वहां पहले दौड़कर जाकर उस ज्ञान को अर्जित करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना। कहीं मिल रहा हो तो चलेगा, पर हमारी आदत बड़ी बुरी है, इन इन आंखों की भी आदत बड़ी बुरी है। कुछ अच्छा टंगा होता है ना तो मैं यह आंख कभी नहीं जाएगी, और जहां गंदा टंगा होगा ना मैं यह आंख तुरंत चलेगी। आंखों की भी आदत देखा, ये मन की आदत भी बहुत बुरी है। किसी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा ना, खूब अच्छा करा, तुम्हें खाना भी अच्छा खिलाया, रुकाया भी अच्छा, सब कुछ काम अच्छा करा, सब कुछ अच्छा करा, और किसी ने जरा सा कुछ तुमको बस बोल दिया, उतने में तुम्हारा जो अच्छा करा हुआ है ना सब गायब हो जाएगा, बस वो बुरा करा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, बस ऐसा बोला, वो इतना सा दे जाए। ये मन की आदत भी बुरी है, ये चित्त की आदत भी बुरी है, ये वृत्ति की आदत। अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए, और जिस समय आपने अच्छा ढूंढने का प्रयास कर लिया, जिस समय आपकी चित्तवृत्ति में अच्छा समा गया, जिस समय आपकी बुद्धि में अच्छा समा गया, आपको अच्छा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पर अच्छा देखोगे तभी तो ना। एक हाथी और छह अंधे, आंखों के छह लोग अंधे थे, गांव में हाथी आ गया, छह ही अंधों ने विचार करा आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, क्योंकि अपन आंखों से जम के बोलो अंधे, हाथी नहीं देखा अपन ने आज तक, अब क्या करा जाए। तो छह ही ने विचार करा कि भले अपन ने आंख के अंधे हैं, अपन ने हाथी नहीं देखा तो क्या हुआ, आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा पर हाथी को छू तो सकते हैं ना, हाथी का स्पर्श तो कर सकते हैं ना। एक कथा आपको अकोला की कथा में कही थी कि एक अंधा व्यक्ति भगवान के मंदिर में चला गया, तो जितने लोग मंदिर के अंदर बैठे थे वो सब हंसने लगे। बताओ, पूछा उस अंधे व्यक्ति से, काई के लिए आए हो? कि भगवान का दर्शन करने आया हूं। तो तुम्हारी तो आंख ही नहीं है, भगवान को कैसे देखोगे? अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंख नहीं है, मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, पर भगवान तो मुझे देख लेगा ना, बस उतना ही काफी है। अगर भगवान मुझे देख लेगा ना तो उतना काफी है, बस बहुत। शादी में जाते काय को? खाना खाने जाते हो? शादी में रिसेप्शन में भोजन करने जाते हो? ना 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 ना, अच्छा व्यक्ति शादी में खाना खाने नहीं, अच्छा व्यक्ति शादी में केवल एक 500 का लिफाफा देने के लिए जाता है, क्योंकि भाई देखो संबंध है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, तो वहां जाना पड़ेगा, लिफाफा देना पड़ेगा, और उसको जितना कहीं जाने की जरूरत नहीं उतना उसको जरूरी है स्टेज पे जाना। क्यों? क्योंकि स्टेज पे कैमरा लगा होता है, तो उसको दिखना चाहिए कि मैंने आया था और मैंने आगे बोल दो 500 का लिफाफा दिया था, उसको दिखना चाहिए। बस कैमरे के सामने जैसे दिख जाए कि तुम आए थे और तुमने लिफाफा दिया था, उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना
तो ये अंदाजा लगा कर जाना कि मैं जो कुछ कहूंगा भगवान से कहूंगा। भगवान को ये मत समझना कि ये पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तुम्हारा काम है कहना, उसका काम है सुनना। तुम्हारा काम है झोली फैलाना, उसका काम है झोली भर कर जाना। ये उसके हाथ में, तुम बस उससे जाकर प्रार्थना कर लो, उससे जाकर निवेदन कर लो, उससे जाकर विनती कर लो, फिर आगे वो संभाल ले। आप उससे जाकर निवेदन करो, आप उससे जाकर प्रार्थना करो, वो संभाल ले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। सती मैया को लेकर गए, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सती मैया बैठ गई कुंभज बाबा की यहां कथा सुनने के लिए, पहुंच गई। एकदम नई नवेली बहू आए, शादी के 15 दिन हुए, एकदम नई नवेली बहू, शादी के 1 महीना 2 महीना 4 महीना 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, और उस नई नवेली बहू को पति कहीं घुमाने नहीं ले जाए और शिव महापुराण में ले जाके बिठा दे, तो नई नवेली बहू को अच्छा लगेगा क्या? बताओ मुझे कहाँ ले जाकर बिठाया, मैं तो सोची थी, मेरे से कह रहे थे तैयार हो जा, तो मैंने सोचा था होटल ले जाएंगे, पर मुझे क्या मालूम था कि ये कथा में ले जाएंगे। नई नवेली बहू, सती मैया का तो विवाह हुआ, 4 दिन हुए थे माता सती को विवाह करे हुए, और माता सती को भगवान शंकर जी ने ले जाकर कुंभज ऋषि के यहाँ बिठा दिया, अगस्त बाबा के यहाँ बिठा दिया, कथा सुनने के लिए बिठा दिया। अगस्त ऋषि के यहाँ जैसे माता सती शिव जी के साथ कथा सुनने के लिए बैठी और कथा चालू हुई, इतनी देर में कुंभज ऋषि ने सती जी को देखा, फिर शिव जी को देखा। शंकर भगवान समझ गए कि कुंभज ऋषि कुछ देख रहे हैं, समझ गए। कुंभज ऋषि से पूछ लिया, बताओ आप क्या देख रहे थे सती को, क्यों देख रहे थे सती को, मुझे सती को देखने के बाद आपने मुझे क्यों देखा? कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने कहा, शिव महापुराण की कथा वो कथा होती है जिस कथा में जो बैठ कर मांगता है, सोचता है, भगवान उसको 3 महीने के अंदर प्रदान कर देता है। तो ऐसा सती ने क्या मांग लिया, सती ने ऐसा क्या मांग लिया जो तुम बार बार सती को देख रहे थे? भगवान शिव जी ने कहा, क्या मांगा सती ने? कुंभज ऋषि ने कहा, सती बैठे बैठे मन में सोच रही थी, मेरा पति भी मुझे लाया तो कहां लाया, कथा सुनने के लिए लाया, शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, मुझे कथा में लेकर आए हो, इससे तो मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा होता। तब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर जी से कहा, इसने कथा में बैठ कर सोचा कि इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा। कुंभज ऋषि कहते हैं, अब इसका शरीर जलकर भस्म होगा, ये निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुनने जाए शिव महापुराण की, जितने लोग भगवान की कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, प्रवचन में जाते हो, भगवान की भक्ति में जाते हो, तुम्हारे मन में जो तुम सोचोगे बाबा वो देने वाला है। आप अच्छा सोचो, भगवान ऐसी कृपा करना। आज खेतान परिवार कथा करा रहा है, मेरी झोली में भी इतना धन देना, एक बार मैं भी कथा कराऊं तो वो देगा उतना ही जो तुमने मांगा है। दिल से मांगो, दिल से कहो, बाबा मेरी झोली खाली है, गोदी में एक संतान सुख देना, वो देगा। बाबा ऐसी तकलीफ है, दिल से कहोगे वो सुनेगा, दिल से। कई लोग कहते हैं, क्या ये कथा में भगवान आते हैं? हम कहते हैं आने की बात करते हो, वो तुम्हें देते हैं। हेलीकॉप्टर का एच बना होता है तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतर जाता है, जहां शिव महापुराण की कथा होती है भोलेनाथ नंदी लेकर वहीं उतर जाते हैं। ये भी हेलीपैड से कम नहीं है भोलेनाथ जी का, ये शिव का हेलीपैड है, जहां मेरा शंभु, जहां मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी रुकता, मेरा भोलेनाथ। कह रही है माता सती का चरित्र कह रहा है, माता सती भगवान शिव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंच गई, जो मन में सोचा वो मिला सती। सती मैया ने विचार करा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, और सती माता का शरीर जलकर भस्म हुआ। शिव जी ने सोचा था कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो शिव जी को राम जी का दर्शन हुआ,
आप क्या सोच रहे हो ये आपके ऊपर। एक हाथी छह अंधे, नेत्रों से दिखता नहीं है पर मन में लालसा है कि हाथी आज तक नहीं देखा, देख नहीं पाएंगे तो छू तो लेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी ने हाथी का पांव छुआ, किसी ने सूंड छुई, किसी ने कान छुआ, किसी ने उसका सिर छुआ, किसी ने उसका पेट छुआ, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी, छह ही ने अलग अलग हाथी के शरीर को छुआ। सही है। अब जरा विचार करना कथा पर। आंख के अंधे हैं, नेत्र नहीं है, छुआ हाथी चले गया, छह ही आंख से जो अंधे थे वो छह एक जगह पर बैठे और उन्होंने विचार किया। एक बोला हाथी तो दीवाल जैसा है, जिसने पांव छुआ था उसको दीवाल लग रहा था। दूसरे ने पेट छुआ था तो वो बोला हाथी तो एक पाइप की जैसा है, बड़ा पाइप होता है ना उसके जैसा। तीसरा बोला जिसने पूंछ पकड़ी थी हाथी तो एक बड़ के पेड़ की जैसे जड़ होती है डाली वैसा। चौथा बोला जिसने हाथी के कान पकड़े थे हाथी तो पंखे जैसा है। पांचवा बोला जिसने हाथी के सूंड को हाथ लगाया था हाथी तो एक वृक्ष की जो डाली होती है ना उसके जैसा। छठा बोला जिसने हाथी का सिर छुआ था नहीं नहीं हाथी तो एक डब्बे जैसा है, छह ही लड़ रहे हैं, छह ही आपस में विवाद कर रहे हैं, छह ही एक दूसरे को अपनी बात कह रहे हैं। वो के दीवाल थी, वो के पाइप का, कोई के जड़ थी, कोई के तना था, कोई के पंखा था, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तब एक कोई विद्वान ज्ञानवान वहां से निकल कर जा रहा था, छह ही के बीच में वो बैठ गया और उसने समझाने का प्रयास करा कि तुम सब जो बोल रहे हो वो अपनी जगह पर है, पर हाथी ऐसा नहीं था, ना दीवाल थी, ना पंखा था, ना जड़ थी, ना पेड़ था, हाथी का स्वरूप काला था और वो पंखे जैसे उसके कान थे और दीवाल जैसे उसके पांव थे। तो छह ही अंधे एक साथ बोले काला कलर कैसा होता है, छह ही एक साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है समझा उसको जो समझ जा। ज्ञान उसी को दीजिए जो प्राप्त कर जाए। आपने समझाया और उसने नहीं समझ पाया, आपने कहा और वो नहीं समझ रहा, आपने कहा एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल देवदीदे महादेव को चढ़ा उसका जो फल मिलेगा वो प्राप्त होगा। मांगा दिल से, सती ने मांगा था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, सती माता का शरीर जलकर भस्म हो गया। भोलेनाथ जी ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, राम जी का दर्शन भोलेनाथ जी को हो गया। शिव महापुराण तो वो पुराण है, कल्प वृक्ष की तरह है शिव पुराण, जो मांगते हैं हमें वो प्राप्त हो जाता है। शिव तत्व देता ही देता है। देता है शिव तत्व, शिव देता। महाराज समझाया उसको जाए, माता सती को समझाया, मेरे देवाधिदेव महादेव ने समझाया, समझे ही ना, उसको समझाने की जरूरत भी नहीं। जो समझ जाए उसको समझा दो। और कितना कहीं ना कहीं शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव पुराण। और जिसने शिव तत्व को पहचान लिया, जान लिया, माता सती नहीं जान पाई थी कि मैं कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने जा रही हूं तो मेरे साथ में होगा क्या, मैं बैठकर अगर मन में कुछ विचार लेकर आऊंगी तो मुझे जलकर भस्म होना पड़ेगा, ये सती मैया को नहीं मालूम था। आप तो कथा में जाकर बैठ जाते हो, आपके मन में क्या आ रहा है किसी को नहीं मालूम, पर आपको वो प्राप्त होता है कब, जब हम शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक श्रवण कर लेते हैं तो बाबा वो प्रदान कर ही देता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये आपके चित्त पर। सती मैया जलकर भस्म हो, समझाया मेरे भोलेनाथ जी ने, मत जा, नहीं मानी। ज्ञान उसको दिया जाए, समझाया उसको जाए जो समझ जाए। रावण को समझाने का प्रयास विभीषण ने करा था,
रावण को समझाने का प्रयास विभीषण कर रहे थे, बार बार समझाने का प्रयास करा, विभीषण समझ जा, विभीषण को विभीषण ने समझाया रावण को, भैया समझ जाओ, भैया समझ जाओ, रावण समझने को तैयार नहीं था, लात मार दी, धक्का दे दिया, चले गए। जब दुनिया ठोकर मार देती है, जब दुनिया लात मार देती है, ठोकर मार देती है, तब व्यक्ति ठोकर खाकर परमात्मा की शरण में पहुंचता है, तब पहुंचता है। सती मैया भी गई, समझाया, ना मानी, ना मानी तो पहुंच, और सती मैया पहुंच गई अपने पिता के यहां। यज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा, शिव जी का तो अपमान दक्ष प्रजापति ने पहले ही कर दिया था। ससुर के आने पर जमाई ने उठकर जब प्रणाम नहीं करा था, तो क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ करा है, पर तुमने मेरा आदर नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि उनको ससुर का श्राप आशीर्वाद लग रहा था। जो हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है, वो आनंद की जिंदगी जीना जानता है, वो आनंद की जिंदगी जीना, हर परिस्थिति में जिसने अच्छा सोचा। शंकर भगवान को श्राप लगा कि तुम शमशान में निवास करोगे, भोलेनाथ जी हर परिस्थिति में खुश रहते थे, उन्होंने उसमें भी अच्छा देख लिया, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, मेरे दक्ष प्रजापति ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, किसी का ससुर ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे प्लाट भी दिया तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, शमशान में रहने के लिए प्लाट दिया है तो वहां कब्जा कौन करेगा, अच्छा देखा, आप अच्छा देखो, अच्छा दिखेगा, अच्छा देखो, हर परिस्थिति में अच्छा ढूंढने का प्रयास करो। एक शिष्य गुरुजी के पास में आया, और शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक भक्त आया है, गाय दे रहा है। गुरुजी ने कहा, ले लो, रोज दूध मिलेगा, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, ले लो गाय। गाय ले ली। 6 महीने के बाद वही भक्त वापिस आ गया, गुरुजी भक्त आया है, वो अपनी गाय वापिस ले जा रहा है। गुरुजी ने कहा, ले जान दो, गोबर उठाने का टेंशन खत्म हो गया। हर परिस्थिति में अच्छा देखो, मिल गया तो ठीक, ना मिले तो ठीक, और नहीं तो चिंता तो घेर रही है। जिसको दुखी, कई कई लोग ऐसे रहते हैं जो दुख से बाहर ही नहीं हो पाते। एक व्यक्ति, एक मित्र दूसरे मित्र के पास बैठा था, और बैठकर कह रहा था, मेरा मन है कि ताजमहल बनाऊं। बोलो बोलो जम के, मेरा मन है कि ताजमहल बनाऊं, पर मुझे मुमताज नहीं मिल रही है। दूसरा बोला, मेरा भी मन है कि मैं ताजमहल बनाऊं, पर मेरी मुमताज मर नहीं रही है। ताजमहल दोनों को बनाना। एक कह रहा है कि मैं ताजमहल बनाना चाहता हूं, पर मुझे, बोलो बोलो जम के बोलो बोलो रे नेपाल देश वालों, बोलो, मुझे मुमताज मिल नहीं रही है। और दूसरा कह रहा है, ताजमहल मैं भी बनाना चाहता हूं, पर मेरी मुमताज मर नहीं रही है। दोनों टेंशन में, एक को मिल नहीं रही, एक की निपट नहीं रही, दोनों टेंशन। हर परिस्थिति में सुख देखो, हर परिस्थिति में खुश होना सीखो। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, प्राप्त हुआ तो ठीक है, ना प्राप्त हुआ तो ठीक है। पंडाल के अंदर बैठे कथा सुन रहे हो तो ठीक है, कथा पंडाल के बाहर बैठकर सुन रहे हो तो ठीक है, पंखे की हवा मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ये सोच लेना कि आज पंखे की हवा मिल रही है, जब मर जाएंगे, आग लगाएंगे, तब कौन सा पंखा लगाएंगे, तब कौन सा पंखा आने वाला। तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार, तू नंदी ले कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पर चढ़ कर आ जाना। हर परिस्थिति में जो सुख देख लेता है, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति खुश रहना सीख जाता है, उसकी जिंदगी आनंदमय हो जाती है, आनंदमय। अमीरी में, गरीबी में, सब में सुख देखो। एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी जब से मोबाइल आया है ना, तब से हमारी जीवन में खुशियां आई है,
हमने कहा ऐसी कौन सी खुशी तुम्हारी जिंदगी में आ गई? कहा गुरु जी रोज कथा सुनने को मिल जाती है। हमने कहा अब तुमने मोबाइल आने की सुख देखा, अब दुख भी तो देखो। मोबाइल आया, कैमरा खत्म कर दिया। पहले लोग कैमरा लेके घूमते थे कि नहीं घूमते थे? बोलो जम के बोलो जरा। घूमते थे ना। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, टार्च। पहले लोग टार्च रखते थे कि नहीं रखते थे? बोलो बोलो जम के बोलो। मोबाइल आया, टार्च। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर। पहले लोग कैलेंडर देखते थे, पंचांग देखते थे। आज के जमाने में तुरंत तुमने पूछा ये तारीख को कौन सी तिथि है, उन्होंने मोबाइल खोला और बता दिया ये लोग कैलेंडर तुरंत। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म। मोबाइल आया, रेडियो। बोल दो जम के खत्म। और मोबाइल आया और तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम्हारी जिंदगी भी गए। फिर वो बोलते ना गई भैंस। बस मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया तो कैलेंडर खत्म। और वो ही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो फिर तुम खत्म। इसलिए सावधानी रखिए। अच्छा ही है, उसमें मना नहीं। माता सती को शिव जी समझा रहे हैं, सती समझ जा, सती ज्ञानवान है समझ जा, सती मैं तुझे समझा रहा हूं समझ जा, सती अपने पिता के घर में मत जा, सती अपने पिता के पास मत जा, सती मैं तुझे समझा रहा हूं समझ जा। सती मानने को तैयार नहीं होती। जब एक पहलू से ना समझे तो फिर दूसरा पहलू होता है कि जो ललाट पर लिखा है वो होकर मानेगा, जो किस्मत में लिखा वो होकर मानेगा। जा सती। और सती चली गई, गई यज्ञ के कुंड में अपने पिता के यहाँ। सबका आदर था, सबका सम्मान था, सबका सत्कार था, पिता के यहाँ सबका आदर हो रहा था, पर सती के पति का कोई आदर नहीं था। यज्ञ की अग्नि में सती माँ कूद कर प्राणों को त्याग दी। शिव जी को मालूम पड़ा, उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, पूरी यज्ञशाला विध्वंस करवा, पूरी यज्ञशाला। पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, पूरी यज्ञशाला। आखिरी में शीश, जो दक्ष प्रजापति का जो अहंकार था, जो मस्तक था, वो अग्नि में गिर गया। अहम अग्नि में गया। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां हमारी ओर जाती हैं। तुम अपने अंदर झांक कर देखो तुम कैसे हो। किसी को अपशब्द कहने से पहले विचार करिएगा कि आप कैसे हैं। अभी अभी आकोला की कथा में कहा था, कोई चिल्ला कर तुमसे कह दे एक शब्द, बस जम के कह दे कुत्ता, और जैसे उसने शब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आया और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसने गलत क्या किया? उसने तुम्हें कुत्ता बोला और तुमने भौंकना चालू कर दिया, तो उसने गलत क्या किया? जब तुम्हें कोई गाली दे रहा है, जब तुम्हें कोई अपशब्द कह रहा है, जब तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, उस जगह पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर तुम चुप रहोगे तो उसने जो कहा है वो संबोधन उसके लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा गया। उसने कहा तुमको कुत्ता, और जैसे ही कुत्ता कहा और तुमने भौंकना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, ताने देना चालू करा, गाली देना चालू करा, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू करा, तो सीधी बात है कि तुमने भौंकना चालू कर दिया। मतलब ये पक्का है कि उसने जो कहा था तुम वो हो। और अगर उसने कहा और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से गाली नहीं निकली, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से आड़ा तेड़ा नहीं निकला, तुम्हारे मुख से एक संबोधन नहीं निकला, कोई गुस्सा नहीं आया, समझ लेना उसने जो कहा था वो खुद के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं कहा। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम्हें अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे ताने नहीं निकले, तुम्हारी गाली नहीं निकली। सास तुम्हें आड़ा तेड़ा बोले, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू तुम्हें अपशब्द बोले, सास के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। पिता कोई शब्द बोले, बेटे के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। बेटा बोले, पिता के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। आड़े तेड़े शब्द जब कोई बोलता है तो वो दूसरे के लिए नहीं बोलता, खुद के लिए बोलता है। वो बोलकर दिखाता है कि हम है क्या, वो बोलकर दिखाता है कि हम क्या है, हमारा संबोधन क्या है। बुरा जो देखन में चला, बोलो बोलो आगे क्या है। बुरा न मिलिया कोई, हृदय अपना खोज कर देखो तो अपने से बुरा ना
कोई, संसार में अपने से बुरा कौन होगा। महाराज जितना जहर तो बिच्छू में नहीं भरा, जितना जहर तो सांप में नहीं भरा, जितना जहर तो गौरिया में नहीं भरा, जितना जहर मच्छर में नहीं भरा, उतना जहर तो मनुष्य में भरा है। सांप का काटा हुआ दिख जाता है कि सांप जा रहा है, ये जहरीला है। मच्छर को देखकर पहचान जाओ कि जहरीला है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओ कि जहरीला है, ततैये को देखकर पहचान जाओगे जहरीला है, पर किसी मनुष्य को देखकर नहीं पहचान पाओगे कि यह कब विष उगल देगा और कब तुम्हें निपटा देगा, कब तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे ऊपर कब यह टूटमान हो जाए, कब तुम्हें घाटा पहुंचा दे, कब तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें समाप्त कर दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें खल्लास कर दे, बर्बाद कर दे, ये समझ नहीं पाओगे। सांप को देखकर पहचान जाओगे तो दूर हट जाओगे, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे दूर हट जाओगे, मच्छर को देखकर पहचान जाओगे दूर हट जाओगे, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि नुकसान देगा कि फायदा देगा। राम राम जपना, बोलो बोलो जरा, पराया माल अपना, मुख में राम तुम्हें कितनी याद है। ये रीति श्रेष्ठ नहीं है। आपसे निवेदन है, किसी बड़े व्यापारी से तुम्हारा संपर्क हो चाहे ना हो, किसी बड़े दुकानदार से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, दुनिया के मंत्री संतरी कलंत्री से तुम्हारी पहचान हो ना हो, किसी राज सत्ता वाले से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, परशु महापुराण कहती है महादेव से तुम्हारी पहचान होना चाहिए जो अंत समय में काम आए। राज सत्ता वाले से पहचान है कि नहीं, फैक्ट्री वालों से पहचान है कि नहीं, गाड़ी बंगले वालों से पहचान है कि नहीं, दुकान वाले से पहचान है कि नहीं, व्यापार वाले से पहचान है कि नहीं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक पहचान उस परमात्मा से होना चाहिए। क्यों? जब दुख की घड़ी आती है, वेंटिलेटर पर पड़े रहते हो, आईसीयू में पड़े रहते हो, फैक्ट्री वाले, दुकान वाले, रिश्तेदार, नातेदार, जिन जिन से तुम्हारी पहचान है, वो फल की टोकनी लेकर खड़े रहेंगे, पर वेंटिलेटर पे तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे, आईसीयू में तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। पर ये जितनों से तुमने पहचान बनाई, ये फल की टोकली लेकर बाहर बैठे रहेंगे, और उस महादेव से अगर एक बार पहचान बना ली तो वो तुम्हारी वेंटिलेटर पर तुम्हारे साथ रहेगा, एक एक श्वास श्वास में, धड़कनों में, एक एक नब्ज में तुम्हारे साथ होगा। डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक सत्ता और है, उससे हमारी पहचान होना चाहिए, जिससे हमारा भगवत भजन बढ़ेगा। तो एक ना एक दिन अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, गाड़ी चलाओ, तुम जिससे मिलना उससे मिलो, पर अपने व्यस्त जीवन में, फैक्ट्रियों के सुख में, दुकान के सुख में, गाड़ी के सुख में, बंगले के सुख में, परमात्मा का भजन जरूर करना। क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, तुम्हारे ऊपर जब काल मंडरा रहा होगा, तब कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल का भजन करोगे तो वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं आएगा तब वो काल अधिपति आएगा। अंत बिंदु में उसका साथ होना जरूरी है। आप अपने पति से हमेशा कहती हो दूध की थैली ले आओ, अपने पति से कहती हो बाजार से सब्जी ले आओ, अपने पति से कहती हो किराना ले आओ, अपने पति से कहती हो बच्चों के कपड़े ले आओ, अपने पति से कहती हो बच्चों की कॉपी किताब ले आओ, तो एक काम जरूर करना, अपने पति से इतना जरूर करना कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा। ये दूध की थैली हमारे काम आएगी, कपड़े हमारे काम आएंगे, किराना हमारे काम आएगा, सामान हमारे काम आएगा, पर एक लोटा जल अगर तुमने महादेव को चढ़ाया है, जब तुम्हारी दुख की घड़ी होगी, कहीं जा रहे होगे, आ रहे होगे, अंतिम सांस तुम्हारी चल रही होगी, तो तुमने जो पुण्य करा होगा वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, खड़ा होगा, वो तुम्हें साधेगा। आज अगर खेतान परिवार इतने लोगों को पानी पिला रहा, भोजन करा रहा, आगे आगे बढ़कर सेवा कर रहा है, इसका पुण्य इनके खाते में संजोया हुआ है, सामने आएगा। कोई नहीं आएगा। अंत समय में परमात्मा को पुकारना, पूरा इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े रिश्तेदार, इतने बड़े नातेदार, इतने बड़े कुटुंब वाले, मेरा ये सब दूर पहचान है, पर जब प्राण छूट रहे होंगे, अकेले पड़े होंगे, कहीं दर्द हो रहा होगा, छाती में सांसें आखिरी चल रही होगी, आंखें बड़ी हो रही होगी, मुख से राल टपक रही होगी, अंतिम सांसें चल रही होगी, अगर कभी जिंदगी में शिव महापुराण सुनी होगी और उसका मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भूल से भी याद आ गया होगा, तो मेरा काल अधिपति कुबेर भंडारी पशुपतिनाथ डोलेश्वर महादेव वहां खड़ा हो, वहां खड़ा। बहुत बहुत सारे लोग आए हैं, अकेले आए, कुछ कुछ महिलाएं अकेली आई हैं, अकोला, औरंगाबाद, ना जाने जहां जहां कथा होती है, लोग अपना घर छोड़कर कल्पवास करने के लिए 7 दिन। केतन जी
कई लोगों की आदत रहती है 7 दिन अपना गांव, अपना नगर, अपना शहर छोड़कर, ये तो दूसरा देश है, नेपाल देश है, इसलिए भारत से आने वाले या दूसरी जगह से आने वालों की संख्या थोड़ी कम रहे, पर देश की देश के लोग लोग आते हैं, अपना आसन बिछाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, कथा सत्संग करकर कल्पवास करने आते, 7 दिन रहेंगे, सुनेंगे, भजन करेंगे, चले। जो कल्पवास 7 दिन का करते हैं, पंडाल में रहते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भजन कर चले जाते हैं, कोई इनसे पूछे, जो लोग रहकर चले गए 7 दिन कि बाबा ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, अकेले रहते हैं, कहां जंगल, कहां बाड़ी पड़े हैं, दुनिया वाले भले जले, दुनिया वाले जले, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। सब बोलो एक बार, एक लाइन सब बोलो, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये बाबा के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, पशुपतिनाथ के भरोसे चलते हैं, डोलेश्वर महादेव के भरोसे चलते हैं, हम तो उसके भरोसे रहते हैं। चले घर से, आ गए, कोई रूम है ना, कहां सो रहा है पंडाल, खाना कौन देगा, जिसके भरोसे आए, पानी कौन पिलाएगा, जिसके भरोसे आए, कौन रोकेगा, जो कथा करवा रहा है, जो कथा सुनवा रहा है, यजमान भी तो शिव का ही स्वरूप माना गया है, शंकर ही करेगा, शिव तत्व को जो जानता है, शिव महापुराण का यजमान शंकर का स्वरूप होता है, शिव का, क्योंकि ईश्वर जी गोरा जी दोनों कथा सुनने के लिए आए, ईश्वर जी गोरा जी दोनों, शिव पार्वती दोनों कथा सुन, तुम रुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी सुन रही है, और देवाधिदेव महादेव यजमान बनकर बैठे, किसी के भरोसे नहीं, किसी के भरोसे, एक का भरोसा, बोल बम का नारा है, जम के जरा, बोल बम का नारा है, उसके सहारे चल रहे हैं, उसके भरोसे चल रहे, जैसा राखे रह लेते हैं, शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही, सती मैया को समझाया था, नहीं मानी, जलकर भस्म हो गई, दक्ष प्रजापति का सिर अग्नि में गिर गया, अहंकार से भरा हुआ शीश था, इसलिए अग्नि में गिरा, इतना अहंकार अपनी जिंदगी में मत करना कि यह शीश नीचे गिर जाए, अभिमान में मत जीना कभी जिंदगी में, बहुत सरल जिंदगी जीने का प्रयास करिएगा, बहुत सादी जिंदगी, सहज सरल जीवन को जब जियोगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप, अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो जीवन की सार्थकता होगी। शिव जी ने सती मैया से कहा था कि तुम सत्संग सुनकर आई हो, इसलिए अब कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो, पर सती मैया नहीं मानी, दक्ष प्रजापति के यहां गई, देव ऋषि नारद इतने बड़े ज्ञानी थे, पर उनको समझाया था कि अभिमान लेकर मत आना, पर किसी गलत का संग जब पड़ जाता है, इंद्र की सत्ता देखी और इंद्र का वैभव देखकर भीतर थोड़ा सा अहम जागृत हो गया, थोड़ा सा काम जागृत हो गया, थोड़ा लोभ जागृत हो गया, समझाया था गलत ना करे, दुष्ट व्यक्ति की थोड़ी देर की भी संगति हमें बर्बाद कर देती है, और अच्छे व्यक्ति की थोड़ी बहुत भी संगति हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है, अच्छे व्यक्ति की संगति मिल जाए हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। एक संत निकल कर जा रहे थे और एक दुष्ट व्यक्ति वहां से आ रहा था, बहुत गंदा व्यक्ति, बहुत लड़ोका, लड़ाई में नंबर वन, जरा सी बात बोलो और हथियार लेके आ जाए, दुष्ट व्यक्ति सामने से आ रहा था, संत निकल के जा रहे थे, संत को क्या मालूम कि ये दुष्ट है,
अब कोई दुष्ट के सिर पे थोड़ी ना लिखाता है कि दुष्ट है, और अच्छे के सिर पर नहीं लिखा रहता कि अच्छा है। संत जा रहे थे निकलकर, संत ने पूछ लिया, ए भैया टाइम क्या हो रहा है? दुष्ट व्यक्ति ने घड़ी देखी, डंडा उठाया, संत के सिर पे एक डंडा मारा और कहा एक बज रहा है। कितने बजे? जम जम के बोलो जरा, एक बज रहा। अब संत को नहीं मानता कि ये दुष्ट है, संत ने तो बेचारे से पूछ लिया, भैया कितना बज रहा है? दुष्ट व्यक्ति ने घड़ी देखी, डंडा उठाया, संत के सिर पे जम के बोलो एक डंडा मारा और क्या कहा? एक बज रहा है। संत उठा, नाचने लगा, नाचते हुए भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देने लगा, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा। दो चार लोग वहां खड़े थे, उन्होंने पूछा, इसने तुम्हें डंडा मारा और तुम भोलेनाथ जी से कह रहे हो बड़ी कृपा करी, क्यों कह रहे हो, भगवान को धन्यवाद क्यों दे रहे हो? संत कह रहा है कि अच्छा हुआ मैंने एक घंटे पहले नहीं पूछा कि कितना बज रहा है, भगवान ने बड़ी कृपा। एक घंटे पहले पूछ लेता तो बोलो बोलो चमके 12 डंडे पड़ जाते, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, दया तेरे बराबर कोई कृपा नहीं कर सकता, कोई करुणा नहीं कर सकता। दुष्ट की संगति बुरी, अगर किसी दुष्ट व्यक्ति से पीछा छूटे तो भगवान को धन्यवाद देना बड़ी कृपा करी, एक घंटे पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 डंडे में तो मेरी हालत खराब कर देता। अभी पूछा कितनी बजी? तुम भी सीख लो, कभी किसी से मत पूछना कितनी बजी, आपने को पूछा नहीं, पहले अपने पास घड़ी नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, टाइम नहीं मालूम, मत पूछो। कहीं का दुष्ट मिल गया और वो बताए 12, 11, 10, 9, 5, 7, 6 में भी हालत खराब कर दे, वो क्या मतलब? अच्छे की संगति मिले, पर अच्छे की संगति तब तो मिलेगी ना जब परमात्मा की कृपा होगी, जब तेरी दया होती है, करुणा होती है, तेरी उदारता होती है, तो कुछ अच्छा मिलता है। भगवान की कृपा हुई तो ये कथा सुनने के लिए नेपाल की भूमि पर मिली, ये प्रभु की कृपा से मिलती है। अच्छे की संगति मिले तो परमात्मा की कृपा है, और बेकार भी मिल रहा है तो उससे दूरी बनाने का प्रयास करना, भगवान कृपा जरूर करेगा। मिले संगत अच्छे। सती मैया जल गई, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, शीश अग्नि में गिर गया, अहंकार गया अग्नि में, शीश गिरा धड़ पड़ा। भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, भोलेनाथ कृपा करो, आप कृपा करोगे तो जजमान का सिर जुड़ जाएगा, यज्ञ कर देगा। शंकर भगवान को मालूम था ये हर बात बात में मेरा मेरा करता था, जो दूसरे को उंगली दिखाकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है फैक्ट्री मेरी, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, काम मेरा, धंधा मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, परिवार मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, सब कुछ मेरा 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 करता है, वो एक दिन मरकर मनुष्य की देह छोड़कर बकरा और बकरी का जन्म पा लेता है, फिर वो मेरा मेरा नहीं कहता, फिर वो मैं करता फिरता। तुम्हारे दरवाजे पर कोई बकरा बकरी आए और मैं करे तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार है। खूब मैं करते थे, मेरा बहू, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मर गए तो अब मैं कर रहा है, इनको पहचानो, इनको जानो, पहचानने का, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा धन, ना ना ना, सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा।